तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 1000 एपिसोड हो चुका है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहना चाहिए आज के दिन? थैंक यू सो मच यार, आप लोगों को मुबारकबाद, आप लोगों का बड़ा योगदान है इस चीज़ में। खुशी की बात है कि कोई ऐसा शो जो 1000 एपिसोड पूरे करता है, कोई छोटी बात नहीं है। एंड खुशी की बात यह है कि दंगल का पहला शो है जो 1000 एपिसोड कर रहा है, एंड वो नथ है जिसके हम पार्ट है, तो इससे अच्छी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। क्या कहना चाहिए, जब आपका ये कैरेक्टर आपको दिया गया था, वॉट वॉज योर फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि आपकी जो ट्विनिंग है बहुत सारी पसंद की जा रही, चाहे वो अलीशा मैम के साथ हो या चाहत के साथ हो, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? हाँ, जब मुझे ये किरदार ऑफर हुआ तो आई वॉज एक्साइटेड। ये रेसलर बंदा है, इन माई रियल लाइफ आई वॉज इन टू रेसलिंग, मैं एक रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बड़ी चाहत थी मेरी कि ऐसा कोई किरदार करूँ। जब मिला तो उसे अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही पसंद करते रहिए आप लोग। ओके, अलीशा मैम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, उनके साथ काम करके काफ़ी हमने देखा है कि आप उनके साथ ज़्यादा रहते हैं, मस्ती करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? यार, वाइफ डिपेंड करती है आपकी, मैं सबके साथ ही मस्ती करता हूँ। कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, खुल के बातें करते हो, दुश्मन तो कोई होता नहीं है वो कहने वाली बात है कि सबकी सबके साथ बनती है, एक्वेंटेंस होते हैं सब लोग, हम हाय हेलो करते हैं सबसे नॉर्मल लाइफ में भी अपनी। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में रह जाते हैं जिनके साथ आप अच्छे से बात करते हो, तो अलीशा इज़ वन ऑफ देम। बाऊ जी हैं यहाँ से, सुकांत पाजी हैं, नितिन है, इशिता जी हैं, मेरे जितने भी कलाकार हैं सबके साथ अच्छी बनती है मेरी। कुछ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, कुछ के साथ अच्छी बनती है बोलते नहीं है, मैं बोल देता हूँ ओके, चाहत के बारे में आप क्या कहना चाहें? क्योंकि एक जो आप ही है, कई सारे लीड एक्टर्स आए थे, वो 200 एपिसोड 150 एपिसोड करके चले जाते, लेकिन आपने काफ़ी लंबा रेस रखा है, क्या कहना चाहेंगे चाहत के साथ? ये प्यार आप लोगों का, चाहत स्टार्टिंग से शो में है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, 1000 एपिसोड तक, पहले एपिसोड से लेके 1000 एपिसोड तक आई है वो, काफ़ी ग्रो किया उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। अच्छी आर्टिस्ट हैं यार, अपना काम करती हैं, हार्ड वर्किंग है, एंड ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहे, अच्छे अपने माइलस्टोन रीच करते रहे सभी। मेरी उनके साथ जोड़ी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, तभी आई थिंक जैसा आपने बोला कि 100-200 आए, मुझे उनका तो नहीं पता यार जो भी आते हैं आई थिंक राइटर्स के हिसाब से आते हैं, जितना उनका किरदार होता है वो करके चले जाते हैं। मेरी जोड़ी बड़ी अच्छी रही है यार, मेरी दोनों हीरोइंस के साथ, अलीशा जी के साथ भी और चार जी के साथ। किसके साथ सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा आता है, मतलब मस्ती या मज़ा या कुछ, अगर आप उनके साथ थोड़ा फ्रैंक हो सकते? चाहत ऑन कैमरा मुझे सबके साथ, मैं जीत होता हूँ ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं मस्ती मजाक करता हूँ, थोड़ा साइलेंट ही रहता हूँ, तो ऑन कैमरा कोई भी हो मेरे लिए, मेरा किरदार है वो, मुझे सबके साथ मजा आता है। ओके, कल चैनल के हेड, चैनल के ओनर आए थे, शूट हुआ, कुछ बताना चाहिए कैसा रहा, मतलब यार अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी कम देखने को मिलता है कि चैनल के CEO साहब आए हैं आपके सेट पे, एंड वो उसका पार्ट बन रहे हैं, हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, तो शुक्रगुजार हूँ मैं सिंगल साहब का जो एक ऐसा चैनल लेके आए, जो एक रीजनल चैनल था, ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, तो ये उनका भी हार्डवर्क है, एंड उनके लिए एक स्पेशल बात है, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं वो, उनकी वाइफ भी आई थी, वो भी बड़े शांत थे, तो सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से कि इतने बड़े मुकाम पे आप पहुंच के भी इतने शांत हो, इतने सरल हो, तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। जो करंट ट्रैक चल रहा है, जो बलूचिस्तान है, वो पाकिस्तान का जो दिखाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडिया आ जाए चाहत तो इंडिया लेने गया जीत उसे लेके आएगा, जल्दी वापस आएगी, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए यार, बड़ा जब ऐसे आपने बताया कि बड़ा अच्छा ट्रैक जा रहा है, तो खुशी होती है आर्टिस्ट को कि उसके सीन्स अच्छे जा रहे हैं, उसके आर्ट को लोग पसंद कर रहे हैं, तो कीप लव। लेकिन आप भी जा रहे हैं, मतलब एक कोई वो जो फिल्म है ना, सनी देओल अपनी वाइफ को लेने जाता है, उसी तरह का एक वो दिखाई दे रहा है। नल तो नहीं उखाड़ेंगे यार हम, सीधा लाहौर उखाड़ देंगे तो यार कोशिश है कि कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ा के हम अपनी वाइफ को ले आए, उसकी कोशिश जारी है, जल्दी ही ले आएंगे। तो आप लाहौर हिलाने वाले, मतलब लाहौर के हम तो सब चीज़ हिला देंगे यार, जो भी हमारी आर्ट में जो भी हमें मौका मिलेगा करने का। ओके, आखिर में सर बिग बॉस